हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंधी जोमेटो किचन। आज हम बना रहे सिंधी तहरी यानी गुड़ के चावल। तो पहले हम अपने पैन में तेल लेंगे। पहले हम चावलों को बॉईल करेंगे, तो उसके लिए हमने तेल डाला है पहले पैन में। इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। वैसे चावलों को बॉईल होने के लिए 2 गिलास पानी चाहिए, पर अभी हमने इसके अंदर 1 ही गिलास पानी ऐड किया है। अभी 50% हम चावलों को बॉईल करेंगे, फिर जो 1 गिलास हम लोग गुड़ का पानी ऐड करेंगे इसके अंदर, जैसे हमारे चावल अच्छी तरह से पक जाए। हमने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग नमक ऐड करेंगे। अभी हम अपने चावलों को पकाते हैं 50%। अभी हम साइड में गुड़ का पानी बनाते हैं। चलिए, अभी हम इसके अंदर 1 गिलास के आसपास पानी ऐड करेंगे और ये करीबन करीबन 50 ग्राम के आसपास गुड़ है, तो वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हमको गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, हमको सिर्फ पानी में डिजोल्व हो जाए गुड़, इतना ही हमें इसको पकाना है। देखिए, अभी हमारा गुड़ का जो पानी था वो बन के तैयार हो गया। अभी देखिए, अब हमने चावलों को चेक करते हैं। देखिए, चावलों का जो पानी था वो सूख चुका है। जो हमने गुड़ का पानी बनाया था उसको हम एक छन्नी की मदद से छान के और ये गुड़ का पानी ऐड कर देंगे। ऐसे हमारे चावलों को हम अभी अच्छे से पकाएंगे। पहले अभी अच्छे से मिक्स करेंगे अभी हम अपने चावलों में गुड़ का पानी। इस टाइम पे हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। ये हमने नारियल लिया है, सूखा नारियल है, किशमिश है, एक छोटी इलायची है, बादाम है, काजू है और सौंफ लिए हमने इसमें। और काजू और बादाम जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए, नहीं तो चलेगा। सौंफ से क्या है, इसके अंदर एकदम अच्छी खुशबू आएगी और रिफ्रेशिंग रहेगा हमारा जो तहरी है। इसको अच्छे से मिला के ये हमारी सिंधी कम्युनिटी की ट्रेडिशनल डिश है तहरी। तो आप एक बार ये जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में जय झूलेलाल जरूर लिखिए। अभी हम तहरी को ढक देते हैं और 5 मिनट के लिए सेम आंच पे पकाएंगे जैसे हम चावलों को पकाते हैं। अभी हम अपनी तहरी को चेक करते हैं। देखिए, अच्छी तरह से पक चुकी है। अभी जो हमने गुड़ का पानी डाला था वो थोड़ा कम पड़ गया था, तो हमने आधा गिलास पानी और ऐड किया है इसके अंदर, जैसे हमारे चावल कच्चे ना रह जाए। तो अभी देखिए, ये एकदम चावल अच्छे दानेदार एकदम अच्छे हो चुके हैं। अब हम सर्व करते हैं हमारी तहरी को। ये रेसिपी एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। सभी के सिंधी जोमेटो किचन की तरफा लख लख करोड़ करोड़ वाधायूं चेटी चंड जी।